हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ में बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हल्दी गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 2 कप, ये लगभग 400 ग्राम है। गोंद 3/4 कप, ये लगभग 100 ग्राम है। मखाना 25 से 30 पीस, बादाम 25 से 30 पीस, काजू 25 से 30 पीस, पिस्ता 25 से 30 पीस, या आप इनकी जगह अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। क्रश की हुई काली मिर्च 20 पीस, गुड़ का बूरा 1.5 कप या स्वादानुसार, देसी घी 1 कप या आवश्यकतानुसार। सबसे पहले कढ़ाई में मीडियम फ्लेम में 2 टेबलस्पून घी डालें। जब घी गर्म हो जाए तो 2 चम्मच गुड़ डालें और उसे फ्राई करें। गूंद को उंगली से मसल कर देखें, अगर ये अच्छे से क्रश हो जाए इसका मतलब गूंद अच्छे से फ्राई हुआ है। जब गूंद अच्छे से फूल जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें। अब बाकी बचा हुआ गूंद भी इसी तरह से फ्राई कर लें। अब इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालें। और गर्म होने पर उसमें मखाना डाल दें और उसे भूनें। जब मखाना अच्छे से भुन जाए तो उसे एक कटोरी में निकाल लें। अब उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालें और एक एक करके उसमें काजू, बादाम और पिस्ता डालें। इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब गूंद को एक परात में लें और एक बेलन या फिर कोई फ्लैट बेस वाली चीज से गूंद को क्रश कर लें। गूंद के लड्डू खास तौर पर सर्दियों में बनाए जाते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब इसमें मखाना डालकर उसे भी अच्छे से क्रश कर लें। एक ग्राइंडिंग जार में ड्राई फ्रूट्स डालें। और उन्हें दरदरा सा पीस लें। ध्यान रखें इसका पाउडर नहीं बनाना है। अब मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून घी डालें।
अब इसमें आटा डालें और इसे लगातार भूनते रहें। बीच बीच में फ्लेम को लो कर दें। आटे को लगातार भूनते रहें। ध्यान रखें इसमें लम्स ना पड़े। आटे को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। जब यह भून जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे भूनते रहें। ऐसा करने से आटा जलेगा नहीं। अब जब आटा हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसे गोंद और मखाने के मिक्सचर में डाल दें। अब इसमें क्रश की हुई काली मिर्च, गुड़ और क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालें। सॉरी, यहाँ पर मैं वीडियो का ये पार्ट गलती से शूट नहीं कर पाई हूँ। अब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। थोड़ा सा मिक्सचर अपनी हथेली में रखकर दबाकर देखें। अगर ये बाइंड नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा घी और डालें। मिक्सचर हल्का सा गर्म है तो घी मेल्ट हो जाएगा। अब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें और उसके लड्डू बना लें। आप अपनी पसंद से लड्डू का साइज रख सकते हैं। लीजिए, हेल्दी और डिलीशियस गोंद के लड्डू तैयार हैं। इसे आप डेली अपने बच्चों और बड़ों को खिलाएं। जो लेडीज ने अभी डिलीवरी की है कि उनके लिए ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इन्हें आप 1 से 2 महीने तक एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।